लोकसभा चुनाव से पहले अवैध मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए खरगोन जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। उसी क्रम में अब मंडलेश्वर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गांजे के 70 हरे पौधे को जब्त किया है। देखिए ये रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। उसी कड़ी में खरगोन पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ विक्रेता पर लगातार निगाह रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसकी रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने के संबंध में निर्देशित किया गया है। जहाँ थाना मंडलेश्वर पर मुखबिर से सूचना पर ग्राम गाड़ेरिया में दबिश दी गई, जहाँ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर अवैध गांजे के 70 पौधे को जब्त किया। ये ग्राम गाडरिया में मंगल सिंह जो भील है उसके खेत में, कपास के खेत में गांजे के पौधे होने की सूचना थाना प्रभारी दीपक यादव को प्राप्त हुई थी, जिसकी तस्दीक के लिए थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम के द्वारा जाकर जब मंगल सिंह के खेत में कपास के बीच में जब पौधों की तस्दीक की गई है, तो मंगल सिंह के खेत में अवैध रूप से जो है 70 गांजे के पौधे जो है पाए गए, जो वजनी करीब 101 किलो है। पुलिस के द्वारा जो है उसको जो है विधिवत कार्रवाई करके अवैध गांजे के भरे पौधे जब्त किए गए, साथ ही आरोपी मंगल सिंह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को जो है न्यायालय पेश किया गया है और जो है आरोपी से पूछताछ कर आगे की इसके संबंध में जो है और पूछताछ की जाएगी कि इसका व्यापारिक रूप से उसके द्वारा क्या अन्य जो है गतिविधियां की जा रही है, इस संबंध में भी जानकारी ली जाएगी। वहीं इस कार्यवाही में अनुविभागीय अधिकारी मंडलेश्वर मनोहर सिंह गवली एवं थाना प्रभारी मंडलेश्वर उप निरीक्षक दीपक यादव, सहायक उप निरीक्षक मुकेश यादव, प्रधान आरक्षक दिनेश, आरएस शैलेंद्र, दीपक बैरागी, एमआर सरिता, धर्मेंद्र विजय एवं अन्य लोगों का योगदान रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, महेश्वर।